डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। सर, ये सुबह यहाँ से डंपर निकला और इसका पिछला पहिया पूरा नाले के अंदर धस गया है। यहाँ 3 महीने से ये, जब से ये कार्य चल रहा है एलिवेटेड रोड का, इन इंजीनियर्स को और सुपरवाइजर्स को बता दिया गया था कि यहाँ नाला है, यहाँ डंपर ना चलाएं साइड के अंदर। उसके बाद भी उस नाले को सिर्फ ये मिट्टी से ढक देते हैं और उसके ऊपर डंपर चलाते हैं और ये ढक गया। अभी यहाँ कोई भी आदमी होता, कुछ भी, वो मर जाता। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, पूरी नीचे ये सब डंपर का पूरा एक हिस्सा पूरे सिर्फ ये दीवार के सहारे खड़ा हुआ है। लेकिन ये इस चीज़ को अनसुनी कर रहे हैं। यहाँ के गार्ड वगैरह जो भी, उन सबको ये चीज़ें पता हैं कि इधर नाला है, इसके ऊपर डंपर नहीं चलाना है। बहुत सारी यहाँ जनहानी हो जाती है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोग बाग, ये चलता हुआ कचहरी रोड है पंजाब नेशनल बैंक के पास में, यहाँ हर समय यहाँ आदमी गुजरता रहता है, किसी भी की भी जान के ऊपर आ जाती है। सर, ये आएगा इंजीनियर आएगा, वो देख के बताएगा कि इसका कितना नुकसान है। सर, बिल्कुल घोर लापरवाही है और इनको पता था कि यहाँ नीचे नाला है। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब इनको पता नहीं और ये यहाँ से ऐसा आज ये घटना हो गई। और जबकि आप देखेंगे रोड की दूसरी साइड इन्होंने 2 दिन पहले खोद रखा, उसको अभी तक नहीं भरा है और नाले के ऊपर से डंपर ले गए। पहले उस रोड को भरते और फिर यहाँ से डंपर ले जाना था। सर, यहाँ इनका अभी इस समय यहाँ इनका कोई भी सुपरवाइजर और अधिकारी उपलब्ध नहीं है। इनका लेबर कॉन्ट्रैक्टर है लालू जी, वो बोलते हैं कि हम इनको ठीक करवाएंगे और हमारे सुपरवाइजर के ताऊ जी की डेथ हो गई तो वहाँ गए हैं। कोई भी अधिकारी पिछले 1 घंटे के अंदर यहाँ आने की उन्होंने ये सोचा जिम्मेदारी नहीं समझी कि आना चाहिए। सर, बिल्कुल कछुए की चाल चल रहा है, सारे यहाँ के दुकानदार परेशान हैं। हम 6 महीने से हमारे यहाँ कोई भी दुकानदारी नहीं है। सौरभ बोल रहा हूँ सर।